धुले स्थानीय आपराधिक जांच विभाग की एक टीम ने जिले के शिरपुर तालुका में नकली नोट छापने वाले गिरोह को पकड़ा है और उनके पास से 200 रुपए के नकली नोट और अन्य सामग्री जब्त की है। नकली नोट छापने वाले गिरोह के बारे में धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नकली नोट छपने वाला कारखाना शिरपुर तालुका के कलम सरे में चल रहा है। इस सूचना के आधार पर स्थानीय आपराधिक जांच विभाग की एक टीम ने संतोष गुलाब बेलदार रहने वाला कलम सारे के घर पर छापा मारा। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे धुले जिले में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को नकली नोट बनाने के उपकरण, नकली नोट, कंप्यूटर, मोबाइल, बैंक पासबुक, ये सभी सामानों की कीमत 48,307 रुपए है। पुलिस ने इन सभी सामानों को जब्त कर लिया है। शिरपुर पुलिस की मदद से धुले स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने नकली नोट के कारखानों को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा है जहां नकली नोट बनाए गए थे और आरोपी को गिरफ्तार किया है। धुले जिला पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।